नए वर्ष के आगमन पर जनसुराज के जिला इकाई द्वारा एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कटिहार के मिर्चाईबाड़ी स्थित जनसुराज कार्यालय में आयोजित इस मिलन समारोह में कटिहार जिले के सभी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मिलन समारोह के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई नए लोगों को पार्टी की अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। यह मिलन समारोह जनसुराज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस मिलन समारोह में शामिल होने वाले लोगों में कदवा प्रखंड के प्रमुख पारस राय, कटिहार सदर प्रखंड से त्रिभुवन कुशवाहा, मोहित चौहान, परशुराम मंडल, पारस राय, एमडी वसीम और एमडी मसूद आलम आदि प्रमुख थे। बार के लिए वर्ष 2024 में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत खुशी का दिन है। कदुआ प्रखंड के प्रमुख श्री पारस राय जी आज अपने कई समिति के साथ जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक नंबर वन पारस राय जी को जनसुराज परिवार पर से बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं कि पारस राय जी के पिछले क्रियाकलापों को देखते हुए महसूस हो रहा है कि जनसुराज परिवार काफ़ी मजबूत हो गया। अब मैं ये जो कांतिया क्षेत्र संख्या 30 के पंचायत समिति हैं, वो भी आज हमारे जनसुराज परिवार की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जो उनको बहुत बहुत जनसुराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परशुराम मंडल जी कतिया क्षेत्र संख्या 29 के पंचायत समिति हैं, इनको भी जनसुराज परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद वजीम साहब धपड़चिया पंचायत समिति नंबर 6 के समिति सदस्य हैं, इनको भी जनसुराज परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब मैं मोहम्मद मफूद आलम साहब जो बिजारा क्षेत्र के 18 नंबर क्षेत्र संख्या 18 के पंचायत समिति सदस्य हैं, इनको भी जनसुराज परिवार में शामिल होने के लिए बहुत बहुत जनसुराज परिवार को बहुत बहुत। अभी हमारे जनसुराज परिवार में आज एक युवा नेता जो कि चितोरिया क्षेत्र से आते हैं, मनसाई प्रखंड और फिरनिया पूरब के सदर कटिहार प्रखंड से ही आते हैं, इन्होंने आज जनसुराज में पहले सक्रिय भी हैं, लेकिन विधिवत रूप से आज इन्होंने जनसुराज परिवार की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। चूँकि इससे पहले हम सर लोग से मिले थे और उनका जो काम करने का जो अंदाज है बहुत अच्छा था, और इसमें कुछ सीखने का। आज के डेट में जिस तरह से सर का काम चल रहा है मैंने देखा, इसमें बहुत संघर्ष, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके राह में चलने के बाद आपके समाज में अच्छा अच्छा विकास की सेवा, उस पर नेता तो बहुत है, हमारे यहाँ बहुत सारा नेता है, सभी दल के नेता हैं। जिस तरह के इसमें फ्लेवर्स काम होते हैं उस तरह से नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग को इस पार्टी में आने से बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि हमेशा की भांति जिस तरह से जनसुराज के विचारों से प्रभावित होकर और प्रशांत जी पर विश्वास करते हुए उनके विचारधारा को और जनसुराज की विचारधारा को जिस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं और लगातार इस संगठन से जुड़ रहे हैं, उसी क्रम में आज यहाँ कटिहार कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई लोगों ने जैसा अभी आपने देखा कि ज्वाइन किया। और ये जुड़ाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेहरे पुराने हो सकते हैं, शैली पुरानी हो सकती है, लेकिन विचारधारा हमेशा वही रहती है, और प्रमाणित विचारधारा जब होती है तो उसका कोई काट नहीं है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये जो सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, और ये बहुत ही जल्द एक खुशनुमा रंग पूरे बिहार में बिखेरने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर गाजी शारिक अहमद, जनसुराज कटिहार। मैं बिजारा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद मसूद आलम। हमारा इस देश में आज़ादी अंग्रेजों से मुक्त पाने के लिए लगभग 72-73 साल हो गया, लेकिन अब भी हम लोग जो है अंग्रेजों का गुलामों से ज़्यादा जो
जकेरे हुए हैं, लेकिन हम हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज ये हमारे गांधी जी का देन है, जो आज हमको जो है छोटे बड़े सब कोई जो है जनता से चुने हुए एक छोटा सा प्रतिनिधि मोहम्मद मसूद आलम ने जो है आए हैं, और इस पार्टी से हमने आज ज्वाइनिंग किए, और सभी भाइयों से सभी गरीब मजदूरों से हमारे जहां तक संकल्प होगा जो हम उसका जो है सहयोग करें, और जन जन मेरे गाँव तक जो कुछ इसका जो फ़ायदा मिले, आज दिन तक जो हमको हमारे गांव में या जो टोले मोहल्ले में शहरों में बहुत तरह का जो है योजनाएं या बहुत तरह का जो सामान नहीं मिल पा रहा है ना, और हमने इस पार्टी को जो देख रहे हैं आज हमने पहली बार सुने और इस पार्टी में हमने ज्वाइनिंग किए, और हमने सोच हमारे संकल्प में मेरा दिल में जो गवाही दे रहा है जो लगता है जो ये पार्टी हमारा इस देश में आगे बढ़ेगा और कुछ करेगा। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.